तो आज का हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो एक किसान होता है गांव का, उसका सुबह से लेकर शाम तक का क्या रूटीन होता है और क्या क्या काम होते हैं, ताकि आपको ये एक्सपीरियंस हो सके और आप देख सकें कि कितनी कठिन लाइफ होती है। तो चलिए आप देखेंगे, हम आ चुके हैं घेर में इस टाइम, और इस टाइम काम चल रहा है जानवरों का। जानवरों के लिए वो निकाला जाएगा और इनको चारा डाल के इनकी जगहों पर बांधा जाएगा ताकि ये खा सके, और दूध निकालने का काम चल रहा है। तो हम देखते हैं। तो हम आज थोड़ा लेट हो गए और मैं आपको दिखाता हूँ ये दूध निकाल लिया गया है जो भैंस ने दिया है। आज इनका कहना है कि भैंस ने कम दूध दिया है क्योंकि उसको मक्खियाँ वगैरह तंग कर रही थी। तो ये और ये इनका, अब ये सानी करने लगे हैं। और इस वक्त बजे होंगे सुबह के 6, वैसे वो 4:30 से उठ के तैयारी कर रहे हैं। मैं थोड़ा लेट उठ के आया हूँ और थोड़ा सा रूटीन था, क्योंकि मैं भी जल्दी इसलिए नहीं उठा, अंधेरा काफ़ी होता है तो उसमें कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा। तो बाकी का दिन का मैं दिखाता जाऊँगा आपको। रोड्स पे देखेंगे आप, एकदम सन्नाटा है, ज़्यादा लोग उठे नहीं हैं, अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं या घेर में काम कर रहे हैं अपने। तब चलते हैं रसोई में। अरे रसोई है, और मैं दिखाता हूँ बटर मिल्क कैसे। ये वो मशीन है जिससे बटर मिल्क बनाते हैं। पहले तो हाथ से बनाया जाता था, और मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बटर मिल्क तैयार है, ऊपर मक्खन है, नीचे बटर मिल्क है, और ये काफी इस पे भी लगा हुआ है। हम अभी जा रहे हैं 12 पे पानी चेंज करने के लिए, तो मैं आगे का आपको दिखाता जाता हूँ और रिकॉर्ड करते हैं आगे चलते। हाँ, तो अभी हम पहुंच चुके हैं खेत पे और बाइक से आए हैं, क्योंकि यहाँ से तकरीबन हमारा गांव 2 किलोमीटर पड़ता है, तो वो जाते हुए देख सकते हैं आप। और रात भर जो पानी चला था एक खेत पे, उसको चेंज करेंगे और मैं दिखाता हूँ आपको। अभी तो लाइट आई हुई नहीं है, सामने ही एक बार एकदम देखेंगे आप, तो वो ट्यूबवेल है जहाँ पे पंप लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम ट्यूबवेल पे पहुँच चुके हैं और आप दोनों साइड में देख रहे होंगे गन्ना, और गन्ने की हाइट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 7 से 8 फीट है, और सारे में गन्ना ही गन्ना खड़ा हुआ है, और इसी में पानी रात भर लगाया था, तो एक खेत भर चुका है और दूसरे में अब चेंज करने आए हम पानी। अभी तो लाइट आई हुई नहीं है, और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको बाकी की डिटेल। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे ट्यूबवेल है, और ये 9-10 फीट नीचे गहरा करके पंप रखा जाता है इसमें, और ये सामने ट्रांसफार्मर है, इसमें हमने ये लाइट भी लगाई थी ताकि रोशनी रहे। और मैं आपको एक 360 डिग्री का व्यू देता हूँ, चारों तरफ गन्ना ही गन्ना मिलेगा, ये बस रास्ता है। और सूरज निकल आया है, 7:30 बजे हैं सुबह के, ये देखिए आप। और मैं ट्यूबवेल का जायजा देता हूँ आपको, ये है पानी, पानी में से अभी भी भाप निकल रही है, और ये इधर हमारा पानी चल रहा था तो वो चेंज किया है। और ये अभी हम ब्रेकफास्ट के बाद अपने ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं खेत पे जुताई के लिए, और अभी घर से बस बाहर निकलते हुए
और बाकी का मैं आपको दिखाता रहूँगा आगे चल के कि कैसे। और ये आप देखेंगे ये बाघ है, बाघ का वीडियो पहले भी आपने देखा होगा, तो मैं आज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ हमने लाइटें लगाई हैं खंभे पे, क्योंकि लाइट की रोशनी में नीलगायें और जो बाकी जानवर आते नहीं हैं खेत में, इससे डरते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइट लगाई है। और ये दो बल्ब देखेंगे आप जल रहे हैं। और अब ट्रैक्टर आ चुका है इस खेत में, अब इसकी जुताई होगी। तो ये तकरीबन 11 बीघे के करीब ये वाले हैं, तीन खेत मिला के जिसमें भाग है, जिसमें कि ये भी ये चल रहा है एक, फिर इसके बाद दूसरा देखेंगे, उसके बाद फिर तीसरा है। दूर तक अगर ध्यान देंगे जहाँ पे पाइप नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ तक सारे को जुताई करनी है। और अभी 20 मिनट के करीब लगे हैं हमें एक खेत में, तो इसमें मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा हमें पूरा जाएगा। अभी और बाकी मैं बताता रहूँगा। बाकी जो पेड़ हैं इस पर एक रोग आया हुआ था, और मैंने जो दवाई बेचने वाले उनको बुलाया था बाग में, तो उन्होंने आके देखा और इसमें एक रोग पाया गया, जिसके जिसकी कि हमने दवाई इस पर कराई है। और ये देखोगे आप पेड़ कैसे खाए, पेड़ के पत्ते जो भी नए आते हैं वो सारे खाए हुए हैं। और अभी आने वाले टाइम में दिसंबर में इसमें मोल आना शुरू हो जाएगा, तो ये हटाना ज़रूरी था। तो अब इस पे स्प्रे सारे पे हो चुका है, और दो दवाई मिला के हमने इसमें डाली, और मैं उम्मीद करता हूँ अभी ये 1-1.5 महीने में थोड़े अच्छे हो जाएंगे। और इस पे जो कीड़ा था वो मर चुका है, कल मैंने देखा था जो बटरफ्लाई होती है उसमें से जो सुंडियाँ निकलती हैं, एक लंबी लंबी जो होती हैं लार्वा सा, वो इसको खा जाता है, तो वो बहुत मरा हुआ पड़ा था। मैंने काफ़ी पेड़ों के अंदर देखा, नीचे पत्तों में भी देखा, पत्ता फोल्ड होके उसमें रहता है वो। और ये देखो क्या हालत कर देते हैं। तो लेकिन अब मुझे लगता है कुछ दिन में ये एकदम ठीक हो जाएंगे और सही से चल पड़ेंगे। और ये जुताई है। तो दोस्तों 10 बजे और अभी में हमारे तीन खेत तैयार हो चुके हैं, एक ये सामने वाला और एक ये हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बाकी है और अभी एक और होना बाकी है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, मुझे लगता है 1/2 घंटा, 10:30 तक हमारा ये काम होना चाहिए। और मैं दिखाता हूँ आपको फिर। तो दोस्तों अभी 10 बजे और हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आ गई है, गियर फंस गया फर्स्ट, तो घर जाएंगे उसको फिर खोलेंगे, ठीक करेंगे, फिर दोबारा आएंगे। तो एक जो बाकी ये खेत बचा है इसको बाद में करना पड़ेगा, और तीन हमारे हो चुके हैं। तो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ आपको बाद में।